और आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो सूखा मछली खाते हैं लेकिन बोलने में शर्म आता है? हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज चलिए मैं आपके आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ किचन से। तो किचन में आ गई हूँ, अभी दोपहर का 1 बज चुका है। सुबह से बहुत सारे काम था, ऊपर से मेरे आज सासू माँ का तबीयत ख़राब है जिसके कारण पूरे जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया है घर संभालने का। सुबह सुबह बहुत काम रहता है, आप सब तो जानते हो, आप सब घर में करते हो तो आपको पता है। तो बस सभी कामों को निपटाने से नहाने के बाद, सब काम को ख़त्म करने के बाद अभी फुर्सत मिला है। तो अभी मैं लंच बनाने जाऊंगी। तो लंच में आज बनाएंगे बैगन आलू की सूखी मछली, जो होता है सूखी मछली का सब्जी बनाऊंगी बैगन और आलू देकर। तो कैसे मैं बनाती हूँ मेरे स्टाइल में सूखी मछली का सब्जी, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, हमें चाहिए यह है सूखा मछली, मैंने इसे पीसेस करके काट लिया है। मैंने 3 सूखा मछली लिया है और ये है आलू, लंबे लंबे करके ऐसे काट लिया है। मैंने 3 आलू लिया है और बैगन लिया, छोटा छोटा जो बैगन होता है इस साइज का, ऐसे बैगन लिया है। मैंने 5-6 बैगन लिया है, दोनों को लंबाई में काट लिया है, मछली को भी लंबाई में काट लिया है। इसके बाद हमें लिया है, हमने चाहिए अनियन चाहिए, मैं 1 बड़े अनियन लिया है, इसको चॉपिंग कर लिया है। इसके बाद लिया है कोरिएंडर और ये है गार्लिक, ये है जिंजर, ये हल्दी, ये गरम मसाला, ये सूखा लाल मिर्च, ये है नमक और ये मस्टर्ड ऑयल। गैस को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई को थोड़ा सा गरम कर लेंगे, गरम हो गया, इसके बाद मस्टर्ड ऑयल लेंगे। इसके बाद ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाएंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अभी अनियन दे देंगे। देखते ही अनियन को भूनेंगे। अभी हम सूखा मछली को दे देंगे। थोड़ी देर के लिए सूखा मछली को भी भूनेंगे। सभी मसाला को दे गैस की टेंप को थोड़ा सा कम करके इसको भूनेंगे।
उसके बाद आलू दे देंगे। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो अभी हम नमक देंगे स्वाद अनुसार, अभी थोड़ा सा ही देंगे, बाद में मुझे लगेगा तो पानी देंगे। इसके बाद बैंगन को दे देंगे। थोड़ी देर तक उसे चलाएंगे। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा देंगे। ये जो कोरिएंडर है इसमें थोड़ा सा पानी देकर इसमें दे देंगे, क्योंकि इसमें मसाला जो लगा हुआ है इसको भी, ये जो मसाला लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी देकर कोरिएंडर के साथ दे देंगे। नमक देकर भूनने से ना सब्जियों से पानी निकलता है, बैंगन से पानी निकला है देखें, तो उसी पानी से इसे भूनते रहेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे कि नीचे से सब्जी जल ना जाए।
10 से 5 मिनट हो चुका है, मैं इसे इसी तरह से भून रही हूँ। आप इसे जितना देर तक भूनेंगे उसका स्वाद, मसाला जितना भूनेगा धीमी आंच पे उतना टेस्ट निकल के आते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितना कम भी हो चुका है ये भूनते भूनते। सब्जी में से पानी जो निकला है इसी पानी में मैंने इसको भूनते रहा है, भुना है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं दूंगी क्योंकि आधा ये पक भी गया है और ये सब्जी सूखा बनता है, जिसके कारण ज़्यादा पानी भी नहीं दूंगी और अभी आधा पक भी गया है तो थोड़ा सा ही पानी दूंगी थोड़ी देर के बाद, और कुछ देर तक भूनूंगी उसके बाद पानी दूंगी और इसे धीमी आंच पे ही बनाइएगा। देखिए भूनते भूनते ऑयल छोड़ने लगा है, तो अभी मैं क्या करूँगी थोड़ा सा ही पानी दूंगी ताकि जो बचा कुचा जो कच्चा सब्जी है वो पक जाए। पानी देने के टाइम गैस के फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। जरूरत के हिसाब से ही पानी दीजिए क्योंकि ये सब्जी सूखा बनता है, तो ज़्यादा पानी मत दीजिए। और थोड़ा सा पानी लगेगा और थोड़ा सा देंगे पानी। पानी दिया है तो इसे मैं ढक दूंगी, फिर थोड़ा सा हाई रखेंगे गैस को, तो ऐसे प्लेट से ढक दूंगी। जब इसमें हल्का सा उबाल आ जाए उसके बाद गैस के फ्लेम थोड़ा सा धीमी कर दूंगी। अब सुन सकते हैं उबाल आ गया है, तो अभी गैस को थोड़ा सा धीमी कर दूंगी, तो इसे सूखने तक मैं छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स सब्जी को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, थोड़ा सा धीमी फ्लेम कर लिया है और सुन पा रहे हैं ना, मेरे सासू माँ टीवी देख रहे हैं, टीवी में गाना एंजॉय कर रहे हैं। तो बस अभी मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ कब सब्जी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं रूम में जाऊँगी। और आज भी बहुत सारे मैं पता नहीं मेरे कुछ दिनों से रेगुलर मेरा कपड़ा निकल रहा है गंदा, रुके मैं हट जाती हूँ नहीं तो गाना सुनने के लिए, तो बहुत रेगुलर मेरा कपड़ा निकल रहा है गंदा कपड़ा, पता नहीं क्यों रेगुलर ऐसे निकलता है। तो बस वही कपड़े को धोकर छत पे दे दिया है मैंने और आज पूरे घर का फिर से सफाई किया। मैं डेली नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा और भी बहुत सारे काम है जिसको पूरा करना होता है, तो मैं एक दो दिन बाद ही मैं पूरा घर का क्लीन करती हूँ। क्लीन मतलब जो ऐसे ग्रिल रहता है, जो ऐसे ग्रिल रहता है शीशा, ये सब वगैरह पोछा लगाती हूँ मैं। हफ्ते में पहले बार एक बार करती थी, लेकिन अभी मैं करती हूँ क्या, जब मुझे टाइम मिलता है उस टाइम पे मैं जिस रूम पे रहती हूँ रूम का जो ग्रिल है उसको साफ़ कर लेती हूँ, शीशे को भी साफ़ कर लेती हूँ, तो सफाई बरकरार रहता है। तो एक ऊपर में मेरा जिम्मेदारी है जो मैं इस सबको साफ़ा करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब क्लीन हो गया है, देखिए मैंने इस सभी को साफ़ा कर लिया। और ऐसे डिज़ाइन में ना बहुत धूल जमता है, तो डस्ट के कारण ना, और मेरे घर के सामने ये तो रोड है जिसके कारण बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। कितना अच्छे से कितना ब्यूटीफुल लगता है ना ऐसे पंछी जब ये करते हैं पुकारते हैं, इसको बंगाली में कोकिल बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे बताना फ्रेंड। कुछ कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं, अब मैं कौन ऐसे भी है जो मुझे कुछ गलती में करती उसका मुझे बता देते हैं कमेंट सेक्शन में, इसको ये कहते इसको, मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे गलती को कोई सुधरने के लिए आ जाता है, मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं कुछ भी गलत बोलती उसको आप लोग सही कर देते हो, मुझे अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं फिर से जाऊँगी किचन में
सब्जी को देखूंगी, देखेंगे कि कितना हुआ है। मैंने फ्लेम को धीमी कर दिया। कोई भी सब्जी ना जब गैस पे बस ये करती हूँ, बैठाती हूँ, तब फ्लेम को थोड़ा सा धीमी कर देती हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ सफाई किया मैंने, ये सब रॉड को। और ये रॉड को सफाई करते हुए ना मेरे हाथ का यहाँ पर कट गया है, क्योंकि ये जो ये है ना, इसका जो नखून है, नखून नहीं, छूछ क्या बोलते हैं, जो भी है, इससे ना मेरा हाथ कट गया था। तो ये सब सफाई करना पड़ता है, पहले उतना नहीं हो पाता था, लेकिन अभी सब सफाई कर लेती हूँ। तो एक दिन में उतना हेडेक नहीं होता है कि सफाई करना है, सफाई करना है। तो चलिए मैं देखती हूँ कितना पूरा हुआ है सब्जी। अभी भी होगा, पानी है इसमें अभी भी। और आप में से कौन कौन ऐसे है जो सूखा मछली खाते हैं लेकिन बोलने में शर्म आता है, और सूखा मछली का स्मेल लेने से ही उसका उल्टी आ जाता है, कौन कौन है बताना मुझे प्लीज़। और मुझे सूखा मछली पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे टेस्टी लगता है। इसीलिए पहले मुझे इसका स्मेल आने से ही ना उल्टी आता था, बोलती छी क्या खाती हो माँ क्या खाती हो। लेकिन मुझे अभी इसका एक दिन मैंने खाया था, खाने के बाद मुझे टेस्ट आ गया। तो जो जो सूखा मछली नहीं खाते हो तो मैं बोलूँगी एक दिन आप ट्राई करके देखो, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो बस चलो कुछ देर के बाद मिलती हूँ आपके साथ। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा चला देते हैं ताकि ऊपर का सब्जी नीचे चला जाए, नीचे का सब्जी ऊपर आ जाए। बीच बीच में आके चला देंगे ताकि नीचे का सब्जी ऊपर आ जाए, ऊपर का सब्जी नीचे चला जाए। सब्जी गल गए हैं, तो इसका पानी कम करने के लिए थोड़ा सा गैस को हाई कर देंगे। और थोड़ा सा पानी को कम करना है, छूटना होगा और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अभी ढक्कन को नहीं लगाएंगे, गैस को थोड़ा हाई कर देंगे और अभी सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ नमक ठीक है कि नहीं। बीच बीच में चलाएंगे और नीचे ना जल जाए। देखिए सूख के रेडी हो चुका है, तो इसे ऐसे होना चाहिए। मेरा सब्जी रेडी हो गया, मेरा गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो ऐसे बनता है सूखा मछली। रोज किन्ने ने हारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रिठड़ गबरू नु मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिड़गिड़ा
ये देखिए मेरा रान लंच आज का, यह है सब्जी, ये राइस, मैंने इतना सा मैंने राइस लिया है, आज मैंने कुछ कम ही राइस लिया है। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ। अगर आपके घर में टमाटर है तो आप टमाटर देके देने से भी और अच्छा टेस्ट आता। मेरे टमाटर नहीं है घर में, इसीलिए टमाटर नहीं दे पाई। टमाटर देने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लंच कर लेती हूँ, क्या करना बट बात करती हूँ। पहले सूखा मछली नहीं खाती थी, अब खाती हूँ। खाती थी लेकिन तो फिर आज जो मैंने लंच पे बनाया, अगर आप खाते हैं तो सूखा मछली आप घर पे ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना ना भूले कि मैंने जो आपके साथ शेयर किया जो सब्जी सूखा मछली का आप लोग बना के ऐसे आपको कैसा लगा ये रेसिपी। और तो बस यही आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा, ये रेसिपी जो शेयर किया ये कैसा लगा बताना ना भूले, और आप लोग खाते हैं कि नहीं बताना, ये भी बताना और बहुत कुछ बताना, कुछ भी बताना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आके प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक भी कर सकते हैं, और अनलाइक क्यों करने हैं, आपको कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको अच्छा नहीं लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ फ्रेंड मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।